वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं बहावलपुर के अंदर, जो एक न्यू चीज़ ऐड हुई है कि रेलवेज़ जो पाकिस्तान रेलवेज़ हैं उन्होंने जो क्या कहते हैं फरीद गेट के पास बस स्टॉप है हमारा, आईयूबी का बस स्टॉप है जहाँ से आईयूबी की बसेज निकलती हैं, उधर जो है ये बस कह रहे हैं, ये ट्रेन का एक पूरा डब्बा ला के उन्होंने रख दिया है जिसका कोई पता नहीं है कि किस लिए वो इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है, हो सकता है रेस्टोरेंट बनाएं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखाने आया हूँ, गुजर रहा था मैं यहाँ से तो मैंने कहा एक व्लॉग की शुरुआत आज यहीं से करते हैं। तो ये जी अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं, ये देखें जी आई लव बहावलपुर, पहले ये चेक करें और अंदर चल के दिखाते हैं। ये है मेन रोड पे उन्होंने रखा हुआ है, मेन रोड पे तो नहीं लेकिन ऐसे साइड पे बस स्टॉप की एक जगह है पार्किंग की, ये बसेस भी खड़ी हैं, पीछे एक बस खड़ी है आईयूबी की, इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर। तो चल के आपको दिखाते हैं, ये देखें जी ये उन्होंने पूरा एक ट्रेन का डब्बा जो है बोगी यहाँ पे ला के रख दी है और इसका कोई मतलब पता नहीं है कि क्या करना है, क्यों लगाई गई है। तो यही मैं आपको दिखा रहा था, चेक करें, ये ऐसे ही उन्होंने रखी हुई है, पता नहीं किस वजह से वो इसका कुछ करेंगे नहीं करेंगे। तो ये यहाँ से ख़त्म हो गई है, यहाँ तक पूरी एक जो ट्रेन का बोगी होती है ना उन्होंने ला के यहाँ पे रखी हुई है। और ये चेक करें, ये सामने SD हाई स्कूल है और ये उसी के ऑपोजिट ये रखा हुआ है। ये देखें जी यहाँ के जो दही बल्ले वाले हैं शॉप्स वाले, इन्होंने ये किया है कि यहाँ पे चेयर्स लगा दी हैं अपना ही उन्होंने, ऐसे मतलब सेटिंग करके पूरा जो भी खाने आता है यहाँ बैठ के। तो ये देखें जी अगर हम यहाँ से ऐसे आते हैं बस स्टॉप वाली साइड से, तो ये उन्होंने डब्बा रखा हुआ है ट्रेन का, चेक करें ज़रा, ये पूरा डब्बा उन्होंने ऐसे ही रख दिया फरीद गेट पे ला के बस स्टॉप के पास। और ये चेक करें, तो ये है सामने स्कूल है सादिक जैन मॉडल हाई स्कूल, ये SD हाई जिसे शॉर्ट फॉर्म जिसकी SD हाई स्कूल कहते हैं इसको, और उसके ही ऑपोजिट उन्होंने वो डब्बा रखा हुआ है, वो डब्बा अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। तो ये तोप भी रखी हुई है इन्होंने, तोप के सामने ही ऑपोजिट वो उन्होंने डब्बा रखा हुआ है ट्रेन का पूरा। तो अभी मैं रेडी शेडी हो गया हूँ और शिफ्ट के लिए तैयार हूँ, शिफ्ट स्टार्ट की हुई है मैंने, ऑर्डर मुझे लगा हुआ है वेलेंटेल का, वो सामने है आपको अगर दिखे तो, शाम हो गई है, दिन में मैंने आपको ट्रेन के डब्बा दिखाया था ट्रेन का एक, जो कि मैं जहाँ मैं स्कूल था उसमें पढ़ता था उसके ऑपोजिट ही वो रखा हुआ उन्होंने पार्किंग वाली जगह पे, पता नहीं क्या करेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह बनाएंगे। जिस तरह मैंने वो भावलपुर के अंदर दिखाया था कि फ्रीद गेट पे उन्होंने ट्रेन का पूरा डब्बा ही रख दिया उठा के, अब ये देखें वेलकम चौक है हमारा भावलपुर का, उसके ऊपर ये बग्घी रख दी है जी, काफ़ी प्यारी लग रही है, पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं। तो सीन यही है भाई, जगह जगह पे कभी धूप रख देते हैं कभी पक्की उठा के रख देते हैं, तो चेक करें कैसी लग रही है। भाई ये बंदे को देख लो, ये लेट आता है हमेशा, 10 घंटे लगा के आता है, भाई किधर रह गया था तो भाई, तो मैं घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ तेरा। ये देख भाई इसका भी ऑर्डर हमने दिया, ये देखो चेक करो, ये भी ऑर्डर मंगवाता है मुझसे, ये लो भाई अपना ऑर्डर, पैसे तो आप दोगे नहीं। हाँ तो भाई वीक का एंड हो चुका है
और आज मैंने कर लिए हैं तकरीबन, मैंने आज एक शिफ्ट किया तो 10 ऑर्डर हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन पिछले 2 दिन में फ्राइडे को मैंने काम नहीं किया था, आज काम किया तो 10 ऑर्डर किए हैं। लेकिन कल मैंने काम किया था उसके अंदर मैंने किए थे अपने 30 ऑर्डर्स पूरे, तो टोटल मिला के मेरे वीक के जो है ना तकरीबन अगर मैं काउंट करूँ तो 5.5 दिन, तकरीबन 5 दिन और एक 6 घंटे की शिफ्ट और मिला लो 5 घंटे की, तो उसके अंदर मेरे हुए हैं तकरीबन तकरीबन 109-110 ऑर्डर हुए हैं टोटल, जिसकी तकरीबन सैलरी बन जाएगी 9,000 बन जाएगी वीक की। इतना काम नहीं किया मैंने, ज़्यादा बीच में छुट्टियां की, अगर छुट्टियां ना करता तो सैलरी टोटल वीक की जो बन जाती, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा सैलरी का, तकरीबन सैलरी टोटल जो है वीक की जो बन जाती तकरीबन 9,000, उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा। और अभी मैं ये घर जाने लगा था तो मैंने कहा बता देता हूँ, मैंने इतनी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करी है, आज बिजी था, थोड़ा काम कर रहा था तो रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन आपने सुबह देखा होगा हम किधर गए थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पे गए थे। तो अभी निकल रहा हूँ घर की तरफ, छोटा सा व्लॉग है, मज़ा आया होगा, उम्मीद है आपको बहुत बहुत मज़ा आया होगा इतना सा व्लॉग देख के। लेकिन कोई बात नहीं, लंबा डाल देंगे, बड़ा व्लॉग डाल देंगे। घर को निकल रहा हूँ और अभी यहाँ से वीडियो करेंगे फास्ट, 1 2 3 लेट्स गो।